हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। किरण और बेटी श्रुति चौहान का इस्तीफा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी में शामिल होगी किरण चौधरी, श्रुति चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुई है। ये भी आपको बता दें सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में शामिल हुई है, अंतिम क्षण तक बीजेपी के साथ रहेंगे, ये किरण ने कहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। और ये भी आपको बताते चले कि किरण और बेटी श्रुति चौधरी का इस्तीफा कांग्रेस से देखने को मिला और बीजेपी में शामिल हुई है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। और ये भी आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में शामिल हुई। अभी हुआ, लेकिन किरण जी से परिचय उस समय से जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम मिलकर के काम करते थे, 1996 से 98 की बात, और लगातार हमारे विधानसभा में चूंकि 9.5 साल तक मुख्यमंत्री के नाते मुझे जो अवसर मिला उस समय बहन किरण चौधरी जी के साथ, ठीक है, दो विपक्षी पार्टियों में रहने के कारण से था, विधानसभा में देखने में भले ही हम आमना सामना कर लेते थे लेकिन थोड़ी देर बाद हमको पता लग जाता था कि हम क्या कहना चाहते हैं एक दूसरे को। इसलिए आज इस अवसर पर मैं प्रदेश की पूर्व मंत्री और दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर, इनका पार्टी की ओर से, हरियाणा की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने बड़े परिवार में अपने आप को शामिल किया है। और इसी प्रकार हमारी बेटी श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद, इन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। और संयोग ऐसा है कि हमारे सुरेंद्र नागर जी जो सह प्रभारी और श्रुति चौधरी एक ही समय में लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट ये थे, तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ठीक प्लेटफॉर्म इनको मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहां नए पुराने का विषय नहीं होता। जब भी जो इस समुद्र में आके मिलता है वो समुद्र का हो जाता है। हम सब का बराबर सम्मान करते हैं। इनकी योग्यता और इनके वरिष्ठता के हिसाब से पार्टी में भी पूरा इनका सम्मान रहेगा। और आगे प्रदेश के हित में, देश के हित में जो जो काम पार्टी अपेक्षा करेगी, मैं जरूर एक प्रकार से भरोसा करता हूं कि उस काम में लगेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी से आग्रह होगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में किरण चौधरी और बेटी श्रुति चौधरी ने अपना बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ये बीजेपी से जो है उन्होंने अपना दामन थाम लिया है। और इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। श्रुति चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो आज निर्णय किया, मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और एक विश्वास दिलाता हूं, प्रदेश के मुखिया के नाते भी, पार्टी के मुखिया के नाते भी, कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते हम मिलकर के हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। सम्मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से, क्योंकि आपके परिवार का जो एक्सपीरियंस है, आपका है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। आज आप पूरे साथियों के साथ
भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे चेहरे यहां पर हैं, परंतु बहुत सारे चेहरे जो यहां पहुंचे भी नहीं है वो अभी बाहर ही है। एक एक बड़ा कार्यक्रम श्रुति चौधरी जी और हमारे किरण चौधरी जी वो करेंगे, और सभी को एक मंच के ऊपर ला करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी हम ग्रहण करेंगे और हरियाणा को भी मजबूत करेंगे। आप सबका जो आज यहां पर भी है और जो बाहर भी है, मैं किरण चौधरी जी का और श्रुति चौधरी जी का भारतीय जनता पार्टी के आगमन पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं।